सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हैना ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैना ब्यूटी क्लास 37। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा बूस्टर क्लासेस का सीरीज चल रहा है, तो आज की क्लास में हम गल्फ एलिमेंट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगी जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में गिव अवे अनाउंस किया था जो कि किसी एक सब्सक्राइबर को मिलना था, तो उस लक्की सब्सक्राइबर का नेम भी रिवील करेंगे हम यहाँ पर। सो गाइज, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए जिनमें से किसी एक सब्सक्राइबर को चूज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नेम विनर में नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा भी सैड नहीं होना है, क्योंकि ये गिव अवे हमने आपको मोटिवेट करने के लिए किया था, ना कि डीमोटिवेट करने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है, आपको कनेक्टेड रहना है हमारे साथ। आगे हम ऐसे काफी सारे गिफ्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे, काफी सारे गिव अवे वीडियो हम आगे करने वाले हैं, और आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके हमें अपनी प्रैक्टिस रेगुलर सेंड करेंगे। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो गाइज, अब मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ हमारे लकी विनर का नेम। तो दीपिका जैन, आप है हमारे गिव अवे लकी विनर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका, आप अपने पैशन के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे और खूब आगे बढ़िए। सो गाइज, नेम हमने रिवील कर दिया है, अब हम अपनी आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम गल्फ एलिमेंट करने वाले हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम गल्फ एलिमेंट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। गल्फ एलिमेंट में हमारे जो हम स्मॉल पेस्टली बनाते हैं और लीव्स बनाते हैं छोटी छोटी और डॉट बनाते हैं, काफी सारे इस तरीके के एलिमेंट हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है काफ़ी लोगों को, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और यहाँ पे मैं उसके बारे में आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप आगे इन्हें यूज़ करते हैं तो आपको इन्हें परफेक्ट तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, तभी आपका डिज़ाइन अच्छा लगेगा। तो एक एक करके जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में फ्रिल एलिमेंट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो मैंने उसमें बोला था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हैं। तो उसमें हमें एक कमेंट आया था कि मैम, हम इन्हें स्ट्रेट लाइन में तो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे वो बता दूंगी कि आपको उसे किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम अपना एक हल्का सा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें रेफरेंस लाइन लेते हुए सर्कल ड्रॉ किया है, और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि तब हम फ्रिल ड्रॉ करते हैं तो हमारी ये वाली लाइन यहाँ से ख़राब हो जाती है, तो बाद में वो अच्छी नहीं दिखती है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको ड्रॉ करके तब इस पर प्रैक्टिस करें। तो देखिए, उसके लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन कर देने हैं, और जितनी भी आपको फ्रिल ड्रॉ करनी है उतनी आपको इसमें ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके साथ अब यहाँ पे फ्रिल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम फ्रिल बनाएंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं काफ़ी धीरे धीरे और स्मूथली अपनी फ्रिल ड्रॉ कर रही हूँ, आपको इसमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग में जल्दबाजी करके अपनी फ्रिल को इस तरीके से रफली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वही आपकी हैबिट हो जाएगी और बाद में आपको इसे इम्प्रूव करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो आपको पहले से ही इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, बाद में आप अपनी जगह इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको काफ़ी हल्की हल्की अपनी फ्रिल ड्रॉ करनी है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा हैवी लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, हैवी फ्रिल नहीं बनानी है। और अगर इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से कि अगर आप यहाँ पे लाइट फ्रिल ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद आप इसमें कोई भी अपना डार्क एलिमेंट डालेंगे तो इसमें ये एकदम से निखर के हमारा डिज़ाइन आता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने ड्रॉ किया, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे अब डॉट ऐड करती हूँ तो यहाँ पर ये इस तरीके से लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बनता है। तो गाइस, डॉट ड्रॉ करते हुए भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कोन इस तरीके से सीधा होना चाहिए, और उसके बाद आप अपनी कोन को प्रेस करें तो यहाँ पर आपके एकदम गोल डॉट आएंगे, एकदम अच्छे से डॉट बनेंगे।
तो देखिए इस तरीके से आप राउंड शेप में इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे मैंने ऊपर तो इसमें डॉट ऐड कर दिया, आपको इसी के ऊपर जैसे हमने यहाँ पर ख़त्म किया था उसके ऊपर फिर से आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और उसी के ऊपर आपको इस तरीके से राउंड शेप में इसे प्रैक्टिस करते जाना है। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस कीजिए आप इसकी, जब तक आप इसे फ्रिल को राउंड शेप पे या फिर डिफरेंट शेप पे अच्छे से ड्रॉ करना ना सीख जाए। जैसे कि हमें आगे हम जब कंपाइलेशन क्लास करते हैं या फिर हम डिज़ाइन को जोड़ जोड़ के अपना डिज़ाइन बनाना सीखते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर इस तरीके की शेप यूज़ करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फ्रिल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इसमें कोई भी गल्फ एलिमेंट अपना इसमें डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये लीफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इसके ऊपर। इस तरीके से हमें इन्हें यूज़ करना आना चाहिए। तो ये लीफ हम डिफरेंट तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि आपका गल्फ डिज़ाइन में और जो आप बाकी सिंपल हम ड्रॉ करते हैं उसमें डिफरेंस क्या रहता है। देखिए अगर हम कोई लीफ नॉर्मल अपना ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं तरीके से और फिर हम इसको फिल करते हैं, लेकिन अगर हम इसे गल्फ डिज़ाइन से अगर बना रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और हम इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर हम इसको इस तरीके से फिल कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ सिंपल लीफ हो गई। अब ऐसे ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि आप गल्फ में कौन कौन से एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरीके से। तो जिनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से हमारी टीयर ड्रॉप जो होती है उनको हम पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इनमें ध्यान क्या रखना है कि आप नॉर्मली हम ड्रॉ कर देते हैं और उनमें हम जो चीज़ें नोटिस नहीं करते हैं कि हम इसको इक्वली ड्रॉ करते जाते हैं इस तरीके से और नीचे से हम इसको ऐसे थिक रख देते हैं, तो इससे ये हमारा एलिमेंट बहुत ख़राब दिखता है और हमारा पूरा मेहंदी में वो फिनिशिंग नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो ये रॉन्ग वे है, इसको यूज़ नहीं करना है और ये हमारा राइट वे है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ पर ये पॉइंटेड टिप आनी चाहिए। इसे नोट कर लीजिए कि आप जब भी गल्फ एलिमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे भी उसमें आप पॉइंट दे रहे हैं, मतलब आप उसमें टिप बना रहे हैं या फिर एंड बना रहे हैं, उसमें हमारा यहाँ पे एकदम शार्प टिप आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से, ऐसे ही हम अगर पेस्टले ड्रॉ करते हैं तो नीचे से हमारी ये शार्प होनी चाहिए। हम ज़्यादातर क्या करते हैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये अच्छा नहीं दिखता है। आपको एकदम इस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपको इन्हें किस तरीके से ड्रॉ करना होता है। तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ से, जैसे कि अगर आपने डॉट को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो डॉट हम इस तरीके से बनाते हैं, कोन को हम अपना सीधा रखेंगे, उसको प्रेस करते जाएंगे तो हमारे डॉट क्रिएट हो जाता है। अगर आपको बड़ा डॉट बनाना होता है तो आप इस तरीके से यूज़ ना करके इसको इस तरीके से थोड़ा रोटेट करते हुए तब प्रेस करें तो आपका यहाँ पर एकदम अच्छे से डॉट बन जाएगा। तो हमें इस डॉट को ही यूज़ करना है अपने गल्फ एलिमेंट में। तो इस डॉट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तरीके से हमने बड़ा सा डॉट बनाया और उसके बाद हम अपना इसको नीचे लेके जा रहे हैं और नीचे जाते जाते हमें अपना प्रेशर कम करते जाना है। देखिए कोन को यहाँ पे हम इस तरीके से ऊपर से स्टार्ट किया प्रेशर देना और नीचे आते आते कम करना है, फिर यहाँ पे आके एकदम बंद कर देंगे और इस तरीके से पॉइंटेड टिप बना देंगे। और जो हमारे बिगनर हैं वो इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उनको यहाँ पर इस तरीके से सी कर्व ड्रॉ करना है और यहाँ से उनको इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है और यहाँ आके अपना प्रेशर छोड़ देना है, तो यहाँ पे हमारी टिप ऐसे ही आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर हम इनको स्ट्रेट में ड्रॉ करते हैं तब भी हमें ऐसे ही करना होता है, जैसे हम बंच बना रहे हैं तो उसमें हम इस तरीके से लेंगे और नीचे पॉइंट दे देंगे, अगेन इस तरीके से, देन पॉइंट।
तो हमने इस तरीके से ये टीयर ड्रॉप अपने ड्रॉ किए। ऐसे ही मैं आपको पेस्टली ड्रॉ करना बताऊँगी। तो पेस्टली में बहुत ईजी है, अगर आप इस तरीके से ये शेप बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद नॉर्मली आपको पेस्टली में भी इसको ऐसे ऊपर लेके जाना है और यहाँ पर आपको अपनी कोन पे प्रेशर डालना बंद कर देना है और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। इसके बाद अब हम कुछ लीफ देखेंगे अपनी। देखिए, जो हमारी सिंपल वाली लीफ होती है उसमें हम नीचे टिप रखते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके बाद यहाँ से अपनी लीफ बनानी स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। और एक लीफ होती है जिसमें हम टिप नहीं देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी छोटी छोटी लीफ हम अपनी मोटिफ को डेकोरेट करने में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसे फिल करके भी यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी शेप है। उसके बाद में फ्लावर के ऊपर यहाँ पर गल्फ एलिमेंट को कैसे यूज़ करेंगे हम वो देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से, अगर आप एक बार अपनी कोन पर इस तरीके से प्रेशर को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप इजीली ये सारे एलिमेंट बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सिंपली अपना बीच में लाइन देते हुए इस लीफ को ड्रॉ किया है। अगर आप गल्फ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो हम इसे नॉर्मली ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इस तरीके से पूरा फिल करके भी आप यहाँ पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, इस तरीके से हमने अपनी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट गल्फ एलिमेंट को प्रैक्टिस किया है। तो मैंने यहाँ पर जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो गल्फ, उनको आपको यहाँ पे बताया आपको कैसे बनाने चाहिए। तो अब आपको होमवर्क ये है कि आपको इनको अच्छे से ही प्रैक्टिस करना है, जैसे कि आगे जब मैं आपको टास्क दूँ और कंपाइलेशन, हम एक डिज़ाइन को हम कैसे जोड़ के अपना कम्प्लीट डिज़ाइन बनाते हैं वो सीखेंगे, उस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए बता देती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो गाइस, होमवर्क में आपको इस तरीके से एक ड्राइंग शीट पे अपनी लाइनें ड्रॉ करके इस तरीके से बॉक्सेस बना लेने हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है और किस किस तरीके से। तो फर्स्ट बॉक्स में आप यहाँ पर अपनी टीयर ड्रॉप को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इस तरीके से, जो भी मैं एक एक एलिमेंट आपको बता रही हूँ उसको इस तरीके से रॉ में प्रैक्टिस करना है, आपको कई कई बार प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप टीयर ड्रॉप की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में किया है तो यहाँ पर आपको इसे दूसरी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लीफ की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए गाइस,
ये एलिमेंट्स आपको इस तरीके से काफ़ी बार प्रैक्टिस करने हैं जब तक कि आप इन्हें परफेक्टली बनाना ना सीख जाएं। और ये डॉट मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से सिंपली डॉट आपको 3 क्रिएट करना है, देन 2, देन 1। तो इस तरीके से डिक्रीज ऑर्डर में आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करते जाना है। ऐसे ही आप इसे सिंपली 3 डॉट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आपको ये काफ़ी बार प्रैक्टिस करनी है। आगे की क्लास में मैं इन्हें ज्वाइन करके आपको पूरा फिलिंग पैटर्न और आगे की हमारी जो डिज़ाइंस हैं उनको बनाना बताऊंगी। तो प्लीज़ आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने का फ़ायदा तभी है तब कोई हमें करेक्ट करे, मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं उसमें आपको बताती हूँ कि ये करेक्शन करो, तो आप उसे इम्प्रूव करेंगे, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे, तो ही आपका यहाँ पे प्रैक्टिस करने का फ़ायदा है। तो गाइज आप मुझे अपनी प्रैक्टिस ज़रूर सेंड करें। तो गाइज हमारा आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।